त्योहारी सीजन शुरू होते ही मिलावट का खेल भी शुरू हो चुका है। खासकर मिठाइयों में इन दिनों जमकर मिलावट होती है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर कार्यवाही की रफ्तार काफी ढीली होने के कारण हर साल धड़ल्ले से मिलावटी मिठाइयां बेची जाती हैं। हालांकि मिलावटी मिठाइयां ना बिके इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम और मुख्यमंत्री का उड़न दस्ता भी सतर्क है और रोजाना कहीं न कहीं छापा मार कर मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन सैंपल लेकर खाना पूर्ति की जा रही है। इसलिए इस सीजन में बाजार से मिठाइयां खरीद कर खाना चाहते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। स्वास्थ्य विभाग जो सैंपल ले रहा है उनकी रिपोर्ट कई दिन बाद आएंगी, तब तक सभी मिठाइयां बिक चुकी होंगी और लोग इसे खा भी चुके हैं। बाद में पता चलेगा कि वह मिठाइयां ठीक थी या सेहत खराब करने वाली। दीपावली में 5 दिन बचे हैं, बाजारों में मिठाइयां बिकने के लिए तैयार है। हलवाई कई दिन पहले मिठाइयां बनाकर रख लेते हैं ताकि त्योहारों के दिनों में ज्यादा से ज्यादा बिक्री कर सके। अब यह मिठाइयां शुद्ध दूध या मेवे से बनाई जा रही हैं या नहीं, इसकी जांच सेहत विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम के द्वारा की जानी है, जो कि नहीं हो रही है। इसका फायदा उठाकर शहर के बड़े मिठाई विक्रेता मुनाफा कमाने के लालच में नकली खोया, मिलावटी दूध आदि से मिठाइयां तैयार अपने गोदाम में स्टोर रही हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पूरे जिले में अलग अलग दुकानों से सैंपल ले रही है। उपमंडलाधीश प्रदीप हुड्डा ने रतिया रोड स्थित अनाज मंडी का औचक निरीक्षण कर फसल खरीद प्रबंधों व सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से पटाखों के गोदामों व दुकानों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पटाखा दुकानदारों को निर्देश दिए कि वे केवल ग्रीन पटाखे की ही बिक्री करें और सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखें। एसडीएम प्रतीक हुड्डा ने अतिरिक्त अनाज मंडी का दौरा कर किसानों की धान की फसल की खरीद के लिए किए गए प्रबंधों का जायजा लिया। इस मौके पर एसडीएम ने किसानों, आरजीओ, श्रमिकों से भी बातचीत और कहा कि किसान को फसल बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। इस दौरान एसडीएम ने अनाज मंडी में बिजली, पानी तथा साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा गेट के पास से संबंधित जानकारी लेकर कर्मचारी को निर्देश दिए कि खरीद कार्य व गेट पास में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा कि अनाज मंडियों व खरीद केंद्रों में संबंधित विभाग साफ सफाई की उचित व्यवस्था करें। उन्होंने मार्केट कमेटी अधिकारियों को मंडी में शौचालय दुरुस्त रखने, मंडी में बिजली, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं सुचारू रखने के आदेश दिए।